हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि मैं कौन कौन से ट्रेडिंग इंडिकेटर्स, यानी कि इंडिकेटर्स की बात मैं सभी इंडिकेटर्स की नहीं करूंगा, सिर्फ यहां पर मैं आपको पांच ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा इंडिकेटर की, जब पाँचों को यूज करके आप इजिली ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको कोई भी स्पॉट रेजिस्टेंस के बारे में अपडेट नहीं देने वाला हूं, क्योंकि स्पॉट रेजिस्टेंस अगर आप देखना चाहते हैं वो बहुत मायने रखता है, पर यहां पर आपको मैं स्पॉट और रेजिस्टेंस के बारे में बात नहीं करूंगा। सिंपली सिर्फ एवरेजेस, मूविंग एवरेज है जो, उनके बारे में बात करूँ, उनकी सेटिंग कैसे की जाती है, उसके अंदर आप देखकर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में ये लॉन्ग और शॉर्ट करने वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद वीडियो हो सकती है, या दिन में जो दो चार पाँच छः ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ये किसी भी मोस्टली सभी टाइम फ्रेम के अंदर आप इसको वर्क कर सकते हैं, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, ताकि अब आपको इस चैनल पर डाली जाने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पर मैं ऑलरेडी मेरी कोर्स का सिग्नल STPT का, और साथ में इसके अंदर आर्गो और भी साथ में ओशियन और STPT बहुत सारे सिग्नल्स मैंने दिए हैं, आर्डर, डोज कॉइन, जिनके अंदर हमें ये सारे के सारे सिग्नल्स हैं। तो आपको फ्री सिग्नल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर QR कोड भी दिखाई दे रहा है, उसे सिंपली स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम का, आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं सिंपली सीधा लेकर चलता आपको, आप बाइनेंस एक्सचेंज पर किसी भी एक्सचेंज को ले सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग व्यू को खोलेंगे तो उसमें आप तीन ही इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, तो मैं इसलिए आपको बाइनेंस पर लेकर आया। तो आपको सिंपल है, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको EMA चूज करना। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले सभी को हटा देता हूँ, ये लो मैंने सभी को हटा दिया, यहाँ पर मैं जाता हूँ EMA, मैं यहाँ पर 5 times EMA ले लेता हूँ। सिंपल, पहले वाले की हमें 9 ही रखनी है, इसका कलर हम कर लेते हैं ग्रीन ताकि हमें थोड़ा अच्छे से आइडिया रहे। दूसरे को हम करेंगे यहाँ पर रेड और 18 लेंथ करेंगे हम इसकी, 18 पहली ग्रीन दूसरी रेड। अब तीसरी को हम करेंगे 50, इस EMA सेटिंग्स को लिख लीजिएगा, और इसको हम करेंगे वाइट, ये आपको अपने हिसाब से भी करना जैसे आप करना चाहें, और इसको हम लेंगे 100, और इसका कलर हम चूज जो भी चूज करना चाहे, और हम लेते हैं इसको एग्जांपल ब्लू ले लेते हैं, चलिए ठीक है। और इसके बाद हम इसको करेंगे 200, ये एक तरह से 200 डेज का स्पॉट है, और ये लीजिए हमने मूविंग एवरेज क्यों नहीं लिया, हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लिखा कि ये फास्ट वर्क करती है। तो ये ADA BTC का चार्ट खोला हुआ है, 15 मिनट का चार्ट है, आप चाहे तो 3 मिनट 5 मिनट जो भी आप चाहे खोल सकते हैं। तो मैं देखिए एक एग्जांपल 5 मिनट के चार्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं इसमें सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ ये काम कैसे करता है। देखिए जिस पैटर्न में ये लगे हुए हैं, आप देखेंगे ध्यान से, जिस पैटर्न में ये लगे हैं, अगर ग्रीन कैंडल ऊपर है, सॉरी ग्रीन लाइन ऊपर, उसके नीचे रेड है, फिर उसके नीचे व्हाइट है, फिर उसके नीचे ब्लू है, फिर नीचे रेड है, यानी कि ये EMA, तो इस इट मीन्स अगर इस रेंज इस हिसाब से है तो ये आपका ग्रीन साइन है। देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ग्रीन यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ पे भी ग्रीन है, दूसरा रेड, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तीसरा फिर व्हाइट है, फिर चौथा ब्लू है, फिर पांचवा 200 EMA का स्पॉट है, यानी कि येलो कलर है। तो यानी कि जैसे ही आपका ग्रीन लाइन ने रेड को देखिए यहीं पर रेड को क्रॉस ओवर कर लिया है, यानी कि ऊपर चली गई, उसके बाद जैसे ही व्हाइट लाइन को यानी कि 50 EMA को क्रॉस करती है, जैसे यहाँ पर साथ में हमारे पास एक और सिग्नल मिल गया है कि यहाँ पे ब्लू को भी साथ के साथ ही क्रॉस ओवर कर दिया है, और जबकि सबसे पहले ही ये येल्लो को क्रॉस ओवर करेगी जब अगर येल्लो तक मार्केट जाती है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही ये गया, इसके बाद हमने यहाँ से एंट्रीज ले ली है देखिए, और इसके बाद मार्केट आप देख सकते हैं कितनी ऊपर तक गई है। आप चाहे तो अपने जहाँ तक देखिए ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है, यानी कि अगर आपने 10x एवरेज ली होती तब भी आप 11-12% की प्रॉफिट पे होते। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में ज़्यादा लेवरेज का खेल है, अगर इसको यूज करना चाहते तो, मैं शॉर्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, फिर आपको लॉन्ग टर्म में भी बताऊंगा। तो देखिए यहाँ से बाद अगर आप मार्केट मान के चलते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ही ग्रीन ने रेड को क्रॉस करके डाउन की तरफ लिया तब भी हमें एग्जिट नहीं लेना, याद रखिए जब ये ग्रीन लाइन व्हाइट को क्रॉस ओवर कर दे तो हमें यहाँ पर एग्जिट लेना, तब भी हमारा देखिए 0.72 क्लियर कन्फर्मेशन की बात कर रहा हूँ आपसे, तो हमारा यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 7.72, यानी कि अगर हमने 10x की पावर ली तो तब भी हम 7% के प्रॉफिट पे होते, 20 पे 14% की, ये इंस्टेंट प्रॉफिट वाला मामला है। और हमारा इसमें टाइम फ्रेम कितना रहा ये भी देख लेते हैं, हमने यहाँ पे एंट्री ली थी और हमने यहाँ पे एग्जिट जो किया, टाइम फ्रेम नहीं दिखा रहा इसमें, हाँ देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए करीब करीब ये 11:10 से लेकर और
3:45 के बीच में हमारा ये है टाइम फ्रेम, सिर्फ 5 मिनट के हिसाब से, क्योंकि काफी सारी कैंडल्स हैं। और जैसे ही इसने यहाँ पर कैंडल ग्रीन ने वाइट को क्रॉसओवर किया है, तब हमें यहाँ से अपने शॉर्ट की बिड ओपन कर देनी है। यानी कि हम यहाँ से एक बार चेक ही कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने अपनी शॉर्ट की बिड ओपन की है और देखिए ये कहाँ तक आया है, आप देख सकते हैं करीब करीब हमारा 1.41%। यानी कि यहाँ भी अगर हम शॉर्ट की बिड ओपन करते तो हमारा कम से कम भी 10% के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है इजिली 10x की लेवरेज से। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, अगर इस छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से हम चाहे तो अपना अपने टारगेट बांध के चल लेते हैं कि हम पार हमारा जो प्रॉफिट टारगेट होगा 5 से 10% का प्रॉफिट टारगेट लेंगे और उसके बाद हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप 5% के बाद आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए। यानी कि जैसे ही आपको लगता है 5 से ऊपर % चली गई, यानी कि 7 चला गया तो 5 पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए या फिर प्रॉफिट लेके एग्जिट करते जाए और इसी गेम को बार बार खेलते रहे। तो ये था अब थोड़ा सा, ये था लॉन्ग शॉर्ट वालों के लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में, यानी कि कम से कम भी 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको अब देखेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल सिंपल क्लियर फंडा है। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़्यादा ही खिचड़ पिचड़ सी हो गई है, तो यहाँ पर आप कैंडल को एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ग्रीन ब्लू कैंडल ऊपर है भी और साथ में ग्रीन उसके नीचे है, फिर वाइट। यहाँ पर हम पैटर्न को देखेंगे एक बार, पहले ग्रीन रेड वाइट है, देखिए ग्रीन रेड वाइट, यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर जम नहीं था। तो ऐसी टाइम पर, यानी कि ऐसी टाइम पर ये जो जहाँ पर ऐसा कंजेस्टेड एरिया हो, यहाँ पर हमें एंट्रीज नहीं लेनी है, ये आपको मैं बताना चाह रहा था इस एक्चुअली इस एरिया के अंदर। तो देखिए हमारा जो ये एरिया है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हमें इस जोन के अंदर एंट्रीज नहीं लेनी है, जो बिल्कुल सारी लाइनें चिपक चिपक के चल रही हूँ। तीन देखो पांचों लाइनों के बीच में कितना गैप है, 1339 से लेके 1353-52, ये बहुत ही कम। हम इसके अंदर बिल्कुल भी एंट्रीज नहीं लेनी, अदरवाइज हम फंस सकते हैं इसके अंदर। तो एक ये आपको मैंने बिल्कुल क्लियर फंडा कर दिया है। अब देखिए कलर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं इसके अंदर और कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ। चाहे तो आप स्टोकेस्टिक RSI का भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर MACD का भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इसके अंदर कोई भी अभी यूज करने वाला नहीं हूँ। तो अभी देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर भी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ही देखिए रेड, अब देखिए आपको आपको एक फास्ट वो वाली बात बता देता हूँ मैं। वाइट देखिए रेड के बाद तो आपको बस आपको ये डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ रेड के बाद अगर जैसे कोई कैंडल, देखिए रेड के बाद जैसे ये कैंडल थी, इसने ये नीचे की तरफ बनी, उसके बाद इससे नेक्स्ट जो कैंडल है अगर वो भी डाउन की तरफ ही बनती है, यानी कि इससे हटकर डाउन इसी रेड ग्रीन लाइन से नीचे बनती है, तो हमें यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर देनी है। एग्जांपल अभी देखिए ये लाइन से लाइन ये टच है, एक तरह से ग्रीन लाइन से ग्रीन लाइन ये रेड लाइन टच है, और ये जो इसके बाद जो सेपरेट कैंडल बनी है, तो ये कैंडल आप देखेंगे बिल्कुल सेपरेट है और ये इस ग्रीन लाइन से नीचे है, तो हमें यहाँ पर हम अपना शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर देनी है। तो आप अंदाजा लगाते हैं 7.84 यानी कि 70.84 तक का हम बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा हम इसके अंदर प्रॉफिट ले सकते हैं हम लॉन्ग शॉर्ट में। अगर हम लॉन्ग शॉर्ट की भी बात नहीं करते, हम सिंपल ही बात करते हैं बाय और सेल की, तो हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं कहीं पर अच्छी सी लोकेशन देखते हैं। तो ऐसे जोन में हमें कभी भी एंट्रीज नहीं लेनी है, वेट करना है और अच्छी एंट्रीज का मौका। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको, और देखिए मैंने इस वक्त ADA का चार्ट खोला हुआ है, ADA का चार्ट इसलिए खोला मैंने ताकि इस वक्त काफ़ी लोग ADA के बारे में कंफ्यूज है। 1300 समथिंग इसका 1340 का प्राइस है और मेरा जो मिनिमम टारगेट है इसका कम से कम भी 1600 से 2700 का ही इन अपकमिंग डेज, आज से ठीक 10 दिन बाद इसका सैल्यूटेशनस रिलीज होने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम, मैं थोड़ा सा और जूम कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ देखिए अगर नॉर्मल आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 9 और 18 EMA का MACD और स्टोकेस्टिक RSI के साथ यूज कर सकते हैं। पर मैं आपको सिर्फ इंडिकेटर्स के बेसिस पर 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। ये कम से कम आपका कम से कम भी 3 दिन, 1 दिन से लेकर और 4-5 दिन तक का खेल हो सकता है। तो आपको देखेंगे यहाँ से जैसे हमारा यहाँ पर से लेकर, और आप अंदाज़ा लगाइए अभी तो मैं इतनी पर इसको मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कितना, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट के अंदर कई बार हम बड़ा प्रॉफिट छोड़ मिस कर जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ऊपर तक ये जा चुका है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आया, इसे छोड़ दीजिए। देखिए अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर खेल रहे हैं, सीधी एक बात गांठ बांध लीजिए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होना। मेरा मैं इसको अच्छे मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं हमेशा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही देखिए ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस ओवर किया, तो हमें पहला इंडिकेशन मिल गया है कि मार्केट
अब यहाँ से ऊपर जा सकती है, पर हमें तब भी एंट्रीज नहीं लेनी है। येल्लो को क्रॉस कर दिया 200 ईएमए के बाद, हमें एक और इंडिकेशन मिल गया, पर हमारा जो मेन जो इंडिकेशन है हमारा व्हाइट लाइन, यानी कि 150 ईएमए को जब तक ये क्रॉस ना कर दे, कोशिश करें एंट्रीज ना ले तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमें कल कंफर्मेशन, क्योंकि हम सिर्फ इसी इंडिकेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा हम ना कोई स्पोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ना फिर हम एमएसीडी देख रहे हैं, ना आरएसआई देख रहे हैं, ना स्टोकेस्टिक देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी अगर आपको ऊपर की तरफ देखना, पहले लाइन ग्रीन ऊपर हो, फिर दूसरी रेड हो, तीसरी वाइट हो, तो ये तीनों को कम से कम आप कोशिश करेंगे, इन तीनों को आपको फॉलो करना है इन वन आवर टाइम फ्रेम। और अगर ये दोनों भी उसके साथ कवर हो जाते तो वेल एंड गुड। देखिए हमारी यहाँ पर हमने इसको भी कवर कर दिया, सिर्फ येल्लो रह गया और येल्लो भी यहाँ पर क्रॉस ओवर हो चुके हैं, यानी कि हमारे सिर्फ इसी जोन के अंदर आप देखेंगे, मैंने जूम कर दिया है, थोड़ा क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर अगर हम चाहते तो यहाँ भी एंट्रीज ले सकते थे और यहाँ से हमारा ज़्यादा प्रॉफिट, अगर हम यहाँ पर हमने दोबारा तो हमारा करीबन, पर हमें ऐसा छोटा गेम नहीं खेलना है लंबे टाइम फ्रेम में, ये स्पोर्ट वालों के लिए है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, पर लेवरेज इसमें 2 से 4x से ज़्यादा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। और ये मैं सिर्फ आपको अपना मैं जो ट्रेडिंग मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप अपने इस स्ट्रेटेजी को अगर आप यूज़ करते हैं, आपको फाइनेंशियल लॉस होता तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं जो यूज़ करता हूँ आपको उसको समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल चार्ट के अंदर क्लियर दिखा रहा हूँ। रेड के लाइन होते ही ग्रीन अगर ऊपर आते ही तभी आपको एंट्रीज नहीं लेनी है। येल्लो क्रॉस ओवर हुआ एक अच्छा साइन है, जैसे ही व्हाइट क्रॉस ओवर हुआ यानी कि 50 ईएमए को जैसे ही इसने ग्रीन ने क्रॉस ओवर किया तो हमें एंट्रीज ले लेनी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी नजर रखनी है कि रेड भी इसके साथ साथ ही चल रही हो। और इससे बाद में आपको एक और अगर बिल्कुल ही श्योर कन्फर्मेशन चाहते हैं, देखिए अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर हम बात कर रहे हैं तो हम मैं थोड़ा सा इसको छोटा और कर दूँ, तो आपको देखिए हाँ ठीक है। तो जैसे ही ये आपकी सारी लाइन अगर इस पैटर्न में आ जाए, याद रखिएगा अगर आपकी सारी लाइन इस पैटर्न में आ जाए, यानी कि ग्रीन देन रेड फिर ब्लू व्हाइट और येलो, तो हम यहाँ भी एंट्रीज ले सकते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर भी अगर एंट्रीज ले ली तो उसके बाद भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो आप देख सकते होंगे, थोड़ा छोटा कर दूँ इसको अब, हाँ कहाँ था मैं, यहाँ था, हाँ देखिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपको सारी लाइन क्रॉस ओवर हो चुकी तो हमने यहाँ से एंट्रीज ली और आप देख सकते हैं करीबन 38% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से करीब करीब देखिए करीब 36% का प्रॉफिट, यानी कि 481 ये आप आ चुका है। तो इसी हिसाब से हमें इसके अंदर एंट्रीज लेनी है, अपना प्रॉफिट बुक करना है। और यही सेम अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देती है, देखिए आपको यहाँ पर भी इसने अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना है। और इसके बाद मार्केट कितनी डाउन गई है, यानी करीब 8% मार्केट डाउन गई, ताकि हम यहाँ पर अपना शॉर्ट की भीड़ भी ओपन कर सकते थे। बिल्कुल क्लियर है, मैंने यहाँ पर 200 ईएमए की बात ही नहीं की है, मैंने आपको सिर्फ 50 और 18 और 9 ईएमए की यहाँ तक की सिर्फ बात की है। और देखिए अब इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर ग्रीन ने रेड को क्रॉस ओवर किया, फिर व्हाइट को जैसे ही क्रॉस किया, हमें यहाँ पर एंट्रीज ले लेनी है और इसके बाद चलते जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर हम यहाँ पर एंट्री कर जाए, पर ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, ये नहीं पता चल सकता। तो हमें यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। देखिए यहाँ पर जैसे इसने, वैसे तो एग्जिट का इंडिकेशन जैसे आपको ग्रीन लाइन ने रेड को क्रॉस किया और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसने इस लाइन ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया, दूसरी जो सेपरेट लाइन जो सेपरेट कैंडल बनी है वो इससे डाउन में बन रही है, तो इट मीन्स हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना है। पर फिर भी आपको डबल कन्फर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर देखिए आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं, तब भी हम यहाँ पर 6 से 6.5% का प्रॉफिट लेकर चले गए, वो भी 2 दिन के अंदर। तो कोई बुरा नहीं है दोस्तों, श्योरिटी के साथ अगर आप खेलेंगे तो प्रॉफिट 100% अर्न करेंगे। बाकी ये जो गेम होते हैं, यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और रुक जाता, ये रिस्की गेम होता है आपको बता दूँ मैं। यहाँ पर देखिए आपको फिर दोबारा से आपको फिर वही मौका मिलेगा, मार्केट चलती रहेगी, आप प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। ग्रीन रेड येल्लो ब्लू एंड देन ये, तो हमारा जैसे ही व्हाइट और रेड क्रॉस ओवर हुआ हमने यहाँ से एंट्रीज ले ली है। और अगर हम एग्जिट भी बात करते तब भी हमारा 2.11% का प्रॉफिट हो ही गया। और अदरवाइज आप अपना एक प्रॉफिट टारगेट मान के चलिए कि हाँ मुझे अगर आप मुझे स्कैल्पिंग करनी है तो मेरा 5 से 10% का टारगेट होगा, उसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊँगा। या फिर आप सिंपली अगर आपको ज़्यादा ही डर है, अगर आप प्रॉफिट साइड में हैं, तो आप यहाँ से जैसे ग्रीन ने रेड को क्रॉस ओवर किया
सॉरी क्रॉस डाउन किया तो आप यहाँ से भी एग्जिट ले सकते हैं फॉर योर सेफ्टी साइड। और यहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से तो इसने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से मैं अपनी शॉर्ट की बिड भी ओपन कर सकता हूँ। और यही कंटिन्यू आप चाहें तो कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। कोई भी इसके अंदर मैंने आपके लिए कोई भी RSI स्टोकास्टिक कोई भी इंडिकेटर साथ में आपका ना मैंने क्या कहते हैं स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है, सिर्फ यही इंडिकेटर्स आपको बता देंगे। और ये लॉन्ग शॉर्ट वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, और 1 आवर का टाइम फ्रेम उनके लिए बहुत अच्छा है जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अच्छा है। अगर हम इसके अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम लेते हैं, देखते हैं, चलिए आपको 4 आवर टाइम फ्रेम का भी दिखा देते हैं। तो आपको यहाँ पे सारी कुछ ही आपको देखिए यहाँ पे 1486 से लेके 1200 तक चला गया, इसकी टेंशन नहीं लेनी है जब तक आपको यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन ना मिल जाए। देखिए यहाँ पर जो आपको मैंने बताया है रेड, जैसे ग्रीन के ऊपर रेड चली जाए और ग्रीन व्हाइट को क्रॉस ओवर कर दे। अभी देखिए यहाँ पर इसने क्रॉस ओवर नहीं किया, क्रॉस डाउन नहीं किया, जैसे कर दिया आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है तो हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आपने देख लिया बिल्कुल सिंपल है, और आप देखिए लाइन आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे क्रॉस कर दे, यानी कि ग्रीन लाइन व्हाइट को क्रॉस कर दे, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट की बिट ले लेनी है और आप अपना कोई भी प्रॉफिट मिस नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है और आसान है, कुछ भी नहीं करना है। इस कलर पैटर्न को याद रखिए, वैसे यहाँ पर भी याद रखिए, जैसे यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रीन रेड ये वाइट ब्लू येलो, आपको एंट्री ले लेनी है और यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए। अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती और इसके बाद ये चलता गया चलता गया चलता गया और यहाँ तक भी हम देखते 69.5% हमारा प्रॉफिट हो चुका है, तो आप अंदाजा लगाइए हमें इसी तरह से प्रॉफिट अर्न करना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। तो आई होप आपको सारे क्लियर बिल्कुल हो चुका होगा हमारे इस वीडियो के अंदर। अगर आप फिर भी कोई डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं तो भी मुझे बताइएगा, इसमें मैंने काफ़ी कोशिश की है समझाने की। या आप अगर चाहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट इंडिकेटर्स का, इसके अंदर वैसे मैं बता चुका हूँ, इंट्राडे में आप कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग में कर सकते हैं, मिड टर्म में कर सकते हैं, या इसके अंदर सभी तरह से कर सकते हैं। ये ऐसा एक यूनिक आपको मैंने इंडिकेटर्स की सेटिंग्स बताई, कोई आपको स्पोर्ट रेजिस्टेंस कोई टेंशन नहीं है। अब वो जो EMAs है वो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ बताएंगे क्या है स्पोर्ट क्या है रेजिस्टेंस। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, स्कैल्पिंग के लिए तो खैर बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसी तरह के फ्री सिग्नल्स पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे जाइए, और फ्री गाइडेंस के लिए हमारे फ्री चैट डिस्कशन ग्रुप टेक हेल्प इन हिंदी ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, और टेक हेल्प इन हिंदी सिग्नल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रीमियम ग्रुप चाहते हैं तो आप प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं 1000 रुपये पर मंथ की फी पर। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।